सभा एंपी गारु नामा नागेश्वरराव गारु स्टेट तेलंगाणा खम्मम स्टेट गल्ली ढिल्ली तक पोयिना अंटे खम्मम लीडर्स उन्नारु मी विश्वासं इक्कलेदु ढिल्लीलो मी माट्लाडालंटे मी नामा नागेश्वर गारु उन्नारु मा एमएलसी गारु बी लक्ष्मी नारायण रेड्डी नारायण साहब गारु मा बेग साहब गारु अजीम साहब गारु आरिफ साहब गारु मी वार्ड नंबर 39 21 40 कैंडिडेट्स माधुरी प्रसाद आला नरसिंहारेड्डी साहब मिनीसा नरसी साहब प्रशांत लक्ष्मी दाने अरुण मैडम गारी वेदिका मीद उद्दू प्रोग्राम अंदर की ना पेर पेर तो सलाम चुना मुस्लिम सोदरी उ मेरी बहनों को बहुत बहुत दिल से मैं सलाम करना चाहता हूँ। आज मैं हैदराबाद से आया हूँ, मेरी बहनों के लिए मेरे भाइयों के लिए एक मैसेज देने के लिए आया हूँ। हिंदुस्तान में कोई पार्टी है तो टीआरएस पार्टी है, हिंदुस्तान में कोई लीडर है तो हमारे महान लीडर केसीआर साहब है। सारे कौमों को एक साथ देखने वाले तरक्की दिलाने वाले कोई लीडर है तो हमारे केसीआर साहब है। आपके पास कई बार केटीआर साहब आके दौरा किए, आपके मिनिस्टर साहब अजय साहब बहुत अच्छे इंसान है, मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं और हमेशा जब बात करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम करते हैं। मैं अजय साहब को आज ढंग से बता रहे पर क्या है, अल्लाह आपको अच्छा रखे और हम जब जवाब देते हैं वालेकुम सलाम तो हम भी दुआ करते हैं अल्लाह से अल्लाह आपको अच्छा रखे, इसके मायने होते हैं। तो मैं अजय साहब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ा प्यार से बात करते हैं। और मैं खम्मम से आज नहीं 2001 से आता हूँ। 2001 में क्या हाल, 2001 के बाद कभी भी 2014 तक हमारे मुस्लिम बहने बुर्खापोश पहने हैं, हमारे हिंदू बहने भी है। हिंदुस्तान में जितने वेलफेयर स्कीम हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद एक दिन का सर्वे करवाया था, एक दिन का सर्वे में पता चला था कि मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी भी बहुत बैकवर्ड है एजुकेशन में। इसके लिए सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल 1420 बच्चे पढ़ा करते थे। शादी मुबारक स्कीम जिस तरह अजय साहब ने कहे, कांग्रेस के दौर में जो शादी होती थी एक साल में 250 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों की शादी नहीं कराए, पर हमारे आनेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद हमारे लिए बहुत बड़ा बजट रखा, खासतौर से माइनॉरिटी बहनों की शादी के लिए, एससी बहनों की एसटी बहनों के लिए। खाली माइनॉरिटी बहनों की शादियां हम तक हमने 6 साल के अंदर, अभी 7वां साल चल रहा है, 1,66,000 मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाए जिसके लिए 1,116 रुपए दिए जाते हैं। कांग्रेस हुकूमत हमारे आनेबल सीएम साहब ने तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी बनाई है उसका एक ही मकसद था, हमारा तेलंगाना हम हासिल करना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना के साथ बड़ी नाइंसाफी थी। तेलुगु देशम पार्टी बनी 9 महीने किसके लिए, हमारे लिए, हमारी तरक्की के लिए। इसलिए मैं मेरे भाइयों और बहनों से कहता हूँ हमें आज कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, हमें ना कांग्रेस की पार्टी की जरूरत है। ये आपका गढ़वा है, अमन का गढ़वा है, प्यार और मोहब्बत का गढ़वा है, तरक्की का गढ़वा है। हमारे मिनिस्टर साहब अजय साहब बहुत से काम करवाए आपके पास, आपके पास बस स्टैंड बनाया गया है, डेवलपमेंट के लिए टैंकमेंट बनाया गया। आज मुझे खम्मम आकर मैं जब रोड से आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, अजय साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज खम्मम हैदराबाद की तरह दिख रहा है, इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है। हमारे मिनिस्टर साहब बहुत दिल अजीज मिनिस्टर है और आपकी म्यूनसिपालिटी में जितने डेवलपमेंट लाए, जितना काम किया है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिल सकती। हमारे सीएम साहब और केटीआर साहब के बहुत खास दोस्त है अजय साहब, हमेशा जो है केटीआर साहब अजय साहब को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। उनके जितने भी स्कीम्स आते हैं, जो भी सैंक्शन करवाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कम्पेयर टू दूसरी जगह से सबसे ज्यादा सैंक्शन खम्मम में होते हैं, क्योंकि केटीआर साहब खुद आकर खम्मम में कई इनॉग्रेशन प्रोग्राम किए हैं। मैं भी एक बार उनके साथ आया था, यहाँ पर हर तरीके से जो डेवलपमेंट आ रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरे भाइयों बहनों से कहता हूँ, अभी अजय साहब भी आपको एक बात बताए, एक बार केसीआर साहब ने कैबिनेट में एक बात पूछा मुझसे कि अल्लाह मियां जो गवर्नमेंट कांग्रेस जो है मियां बीवी दो बच्चों तक ही 1 किलो 1 रुपया राशन देती थी, सीएम साहब ने क्या किया, 4 किलो के बस के 10 देने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। इसलिए मेरे बहनों मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आपकी वोट की बड़ी अहमियत होती है, आपका वोट से ही कैंडिडेट जीतता है, आपके कारपोरेटर जीतते हैं, आपका वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में अब कुछ भी दम नहीं रहा, वो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस क्या कर सकती है बताइए, आज ना उनकी दिल्ली में
कोई हवा है ना गली में कोई है, हमारे स्टेट से तो मुकम्मल खात्मा हो चुका है। तो म्यूनिसपालिटी में काम क्या कर सकते हैं, म्यूनिसपालिटी में आपका डेवलपमेंट आ सकता है तो एक ही कार्ड पार्टी है टीआरएस पार्टी के तहत या हमारे कारपोरेटर्स के तहत आपका डेवलपमेंट आ सकता है। हमारे सीएम साहब ने पहली मर्तबा मैं समझता हूँ अगर किसी को रेस्पेक्ट दिए मुस्लिम कम्युनिटी को रेस्पेक्ट दिए तो हमारे सीएम साहब ने दिए। आपके एक भाई आपके खादिम को ओहदा दिए, साबिका में सीएम साहब ने 5 साल दौर में आपके भाई को डिप्टी सीएम का ओहदा दिया गया। आप बताइए कांग्रेस क्या 56 साल में कभी भी किसी को ये ओहदा मिला है? आजादी के बाद किसी ने कोई ओहदा दिया है तो हमारे आनेबल सीएम साहब ने ओहदा दिया है, हमें रेस्पेक्ट बख्शी है। इसलिए मेरे बहनों मैं आपसे खास तौर से हैदराबाद से अपील करने आया हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम सोदरी सोदरों यूथ को विज्ञप्ति ओट भेज रहे हो तो कांग्रेस को ओट वैसा हैदराबाद लोग मूसी नदी ओट वैसा सरगा कांग्रेस डेवलपमेंट स्कीम ले अजय गारु अभिवृद्धि वे अभिवृद्धि कांग्रेस 2014 मुझे अभिवृद्धि रे अभिवृद्धि केसीआर गारु फार्मर्स की इंता मुझे तेलंगाणा कोसम सीएम गारु చాలా పెద్ద పెద్ద పార్టీతో కలిసినాను. కలిసినప్పుడు అందరూ ఒకటి మాట చెప్పారు, సార్ మీ దగ్గర కరెంట్ లేదు, మీ దగ్గర క్రిమినల్ రైట్స్ అయితే ఉంది, మీ ఫార్మర్ సుసైడ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనబు సీఎం గారు పవర్ లో సర్పలెన్స్ స్టేట్ మా తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఇండియాలో నంబర్ వన్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ మా తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉంది. ఫార్మర్ కోసం రైతు బంధు రైతు బీమా స్కీమ్ ఇస్తున్నారు, అలాగే అర్బన్ లో అంటే డెవలప్మెంట్ కోసం చాలా బడ్జెట్ ఇస్తున్నారు. అలాగే నేను అందరూ ముస్లిం సోదరు ముస్లిం హిందూ ముస్లిం అందరి సోదరులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీ క్యాండిడేట్ తప్పకుండా మీకు సేవ చేసిన అంటే ఈ క్యాండిడేట్ ఉన్నారు. మీకు ఎవరితో కాంగ్రెస్ వచ్చిన దగ్గర ఏం సేవ చేసినకి అవకాశం లేదు. ఆజ్ హమే కాంగ్రెస్ కి జరూరత్ హీ నహీ హై, జబ్కి హమారే బడే బుజుర్గ్ లోగో కా కోయి బేటే హై వో కేసీఆర్ సాహబ్ హై, నౌజవానో కే ఫాదర్ హై తో కేసీఆర్ సాహబ్ హై, అప్నీ ఔలాద్ కి తరహ ఆప్కో చాహతే హై. మై ఏక్ బాత్ బతానా చాహతా హూ, హమారే స్టేట్ కే అందర్ ఏక్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ హై जिसके अंदर हमारे गरीब जो मुस्लिम बहने या हिंदू बहने उनके बच्चे अगर अमेरिका जाना चाहते ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते लंदन जाना चाहते तो 20 लाख रुपए उन्हें नॉन रिफंडेबल दिया जाता है, हर साल 300 बच्चों को भिजाते। हमारे सीएम साहब जब बैठते बिल पास किए तो उस वक्त हमारे आईएएस अफसर ने कहा कि साहब ये बहुत बड़ी रकम है, 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल दे रहे हैं, ये वापिस लिया जाए तो अच्छा। पर हमारे सीएम साहब ने कहा मैंने केटीआर मेरे बेटे को अमरीका भिजाया, मेरी बेटी कविता को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा, उनसे पैसे ले लिया, तो गरीब माँ बाप से पैसे कैसा ले सकता हूँ? मेरा एक ही मकसद है अगर उनके बच्चे पढ़ लेंगे तो उनके खानदान की किफालत कर सकते हैं। ये कहने वाले कोई महान लीडर है तो केसीआर साहब है। इसलिए मेरे बहनों आज हमारा मुस्तकबिल संवारने वाले कोई लीडर है, वो हमें आगे बढ़ाने वाले कोई लीडर है, हमारा हक देने वाले कोई लीडर है, वो केसीआर साहब है और टीआरएस पार्टी है। इसलिए मैं तमाम मेरे बहनों से मेरी भाइयों से सबसे आज गुजारिश करने के लिए आपके खम्मम के डिवीजन पे आया हूँ, आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, आपको इतना बड़ा लीडर नहीं मिलेगा जो आपकी खिदमत करने के लिए आपका खुद एमएलए आपके मिनिस्टर अजय साहब आपके बीच में रहते हैं, बड़े प्यार से सब लोगों से मिलते हैं, हमेशा सबकी खिदमत करते हैं। और आपके एमपी साहब भी नामा नागेश्वर राव साहब भी बहुत अच्छे इंसान है, ये पार्लियामेंट तक जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ खम्मम को बहुत बड़ा एहसास हासिल है, गली से दिल्ली तक जाने वाले डिस्ट्रिक्ट में कोई है वो खम्मम डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, जो यहाँ पर हर जगह नुमाइंदगी होती है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करने के लिए खास तौर से आया हूँ। आप देखिए इमाम और मौजन का देखिए, कभी किसी हुकूमत ने इमाम और मौजन को एक पैसा नहीं दी, पर हमारे सीएम साहब ने इमाम साहब को 5,000 मौजन साहब को 5,000 देने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। आज तेलंगाना में 10,000 इमाम और मौजन को वजीफा दिया जा रहा है। ये कांग्रेस वाले खाली बताते हैं पर कभी कोई काम नहीं किए, हमेशा वो लोग इख्तदार में रहे, 1-2 साल नहीं 48 साल हुकूमत करने वाली कांग्रेस है और 17 साल हुकूमत करने वाली तेलुगु देशम है। ये दोनों जमाते तेलंगाना के दुश्मन जमाते हैं, हमें तरक्की का मौका नहीं दिया गया, हमारा बजट ले आकर उधर खर्चा किया गया और हमें आज तरक्की देने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। अलागे अंदर ही सोदर सोदर लघु यूथ लघु अंदर की विज्ञप्ति चेस्तुन्नारु, मी ओट अंटे वेज चेयोद्दु, मी ओट इय्यालंटे मी कोडुकुकु इव्वाले, मी कोडुकु एवरु उन्नारंटे केसीआर गारु उन्नारु, బిడ్డ ఎవరు ఉన్నారంటే పెద్ద మనిషికి కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఎందుకంటే పెన్షన్ ఎవరిచ్చినా ఎంత ముందు కాంగ్రెస్ పీరియడ్ లో 200 రూపాయలు పెన్షన్ ఉంది, 2014 ముందు 200 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తాత అమారు బుజుర్గోకు. ఆ సీఎం సాహబ్ నే 2016 రూపాయలు దేనే వాళ్ళ లీడర్ కో కేసీఆర్ సాహబ్ ఓ ఆప్కే అకౌంట్ లో డాల్ రే
साहब में अब एमआरओ ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता था, एक चक्कर दो चक्कर चार चक्कर, 200 रुपए लेके लिए चार पांच चक्कर काटना पड़ता था। आज 2016 रुपए आपके अकाउंट में आते, हमारे बड़ों को इज्जत देने वाले केसीआर साहब है, जो लोग हैंडीकैप है उन्हें 3016 दिए जा रहे हैं, तो सिंगल वुमन को भी पेंशन देने वाले को लीडर है, बीड़ी वर्कर्स को देने वाले को लीडर है, वो केसीआर साहब है। इसलिए मेरे तमाम मेरे भाइयों से मैं आज अपील करने आया हूँ, आपका लीडर है तो केसीआर साहब है, आपकी पार्टी है तो टीआरएस पार्टी है, या आपका खंडवा या आपके घर की पार्टी है या अपनी पार्टी है, इसी को वोट देना चाहिए। आपका वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि किसी और पार्टी से हमारी खिदमत होगी, हमारी खिदमत करने वाली कोई पार्टी है वो टीआरएस पार्टी है। आपके लीडर्स हैं, आपके एमएलए साहब हैं, आपके एमपी साहब हैं, आपके एमएलसी साहब हैं, ये सब लोग रहकर आपकी खिदमत करेंगे। इसलिए मैं तमाम मेरे बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपका वोट टीआरएस के हक में पड़ना चाहिए। और भारी मेजर से हमारे तमाम के तमाम कारपोरेटर, मुझे यकीन है अजय साहब की क्यादत में, हमारे एमपी साहब की क्यादत में, एमएलसी साहब की क्यादत में 60 में से 60 सीट जरूर जीतेंगे, मैं यकीन दिलाते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। धन्यवाद।